अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करेंगे चैप्टर 2 का। इसमें पूछा गया है कि आपको बाल्मर सीरीज में मैक्सिमम वेव लेंथ को बिलोंग करे ऐसा वेव नंबर कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है ना, जब बाल्मर सीरीज कब मिलती है, जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी शेल से टू एनर्जी शेल पर जंप करता है, तो इस प्रोसेस में वो एनर्जी रिलीज करेगा। और इसमें हमें ये जो एनर्जी है ये बाल्मर सीरीज को बिलोंग करती है। तो बच्चों ये पूछ रहे हैं कि आपको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब मिलेगी। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब है मिनिमम वेव नंबर, क्योंकि इनमें कैसा रिलेशनशिप होता है, वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ। तो हमें लैम्डा चाहिए मैक्सिमम, तो वेव नंबर होना चाहिए मिनिमम। तो वेव नंबर मिनिमम कब होगा, देखो फॉर्मूले में, वेव नंबर इज इक्वल टू -RH रिडबर्ग कॉन्स्टेंट 1/N फाइनल का स्क्वायर -1/N इनिशियल का स्क्वायर। ये NF क्या है, ये फाइनल ऑर्बिट है, और NI क्या है, इनिशियल ऑर्बिट है। तो फाइनल ऑर्बिट क्या है, टू नंबर, क्योंकि बाल्मर सीरीज में इलेक्ट्रॉन हमेशा टू नंबर सेकेंड शेल में आता है। और इनिशियल थ्री क्यों है, वो ऐसा क्यों है कि वो थ्री से ही आ रहा है, वो फोर से, फाइव से या सिक्स से नहीं आ रहा है, क्योंकि जो एनर्जी है वो मिनिमम रिलीज हो रही है, या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाली रेडिएशन जो है वो इमिट हो रही है। ये हमको कंडीशन दी गई है, इसलिए हमने पहचान लिया कि वो कौन से शेल से आया है, नंबर टू पे, थ्री से। तो एन इनिशियल की जगह हम थ्री रख देंगे और एन फाइनल की जगह टू, और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। वैल्यूज पुट कर दो फॉर्मूला में, जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा -1.523 × 10⁶ मीटर इनवर्स। ये क्या है, वेव नंबर है। कौन सा वेव नंबर है, जब मैक्सिमम वेवलेंथ वाली रेडिएशन जो है वो इमिट होती हैं, जब इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में आता है थर्ड शेल से। ठीक है, तो इजी सम था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछ रहे हैं कि आपको एनर्जी बतानी है जूल में, जब इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट बोर ऑर्बिट से फिफ्थ बोर ऑर्बिट में जाएगा। है ना, देखो इसमें क्या हो रहा है, कम छोटे शेल से जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर शेल में जा रहा है ना, फर्स्ट से फिफ्थ ऑर्बिट में। तो हमको क्या निकालनी है, एनर्जी निकालनी है। क्यों रिक्वायर्ड क्यों है, क्योंकि आप उसको स्टेबल स्टेट में से, जो ग्राउंड स्टेट में था, एनर्जी शेल नंबर वन में था, वो बहुत ग्राउंड स्टेट होती है, बहुत स्टेबल स्टेट होती है, क्योंकि न्यूक्लियस के पास होता है इलेक्ट्रॉन, बहुत नेगेटिव में एनर्जी होती है उसकी, उसमें से आप उसको जम करा रहे हो फिफ्थ एनर्जी शेल में, तो नेचुरली आपको बाहर से उसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो देखते हैं कि उसको हमें कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी है। उसके लिए फॉर्मूला होता है डेल्टा ई इज इक्वल टू 2.18 × 10⁻¹⁸ जूल 1/N इनिशियल का स्क्वायर -1/N फाइनल का स्क्वायर। अब आप बोलोगे कि पिछले समय मैंने दूसरा फार्मूला यूज़ किया था, है ना, फाइनल शेल जो पहले था और इनिशियल। तो देखो बच्चों, आप साइन पे ध्यान दो, इसमें जो है ये एनर्जी पॉजिटिव में लिखी गई है, यानी कि आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो उसको, इसीलिए ये फॉर्मूला में चेंज आया है ना, पॉजिटिव में है ना, पॉजिटिव 2.18। अब इसके अंदर आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, एन इनिशियल क्या है, एन इनिशियल है वन, क्योंकि वो पहले कहाँ था, वन शेल में। फाइनल क्या है, फिफ्थ शेल, तो एन वन की जगह आप लिख दीजिए वन, और एन टू क्या, फाइनल की जगह फिफ्थ। अब आप इसको सॉल्व करो, मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस तो आपको आती हैं, ये सब सॉल्व करेंगे जब आप, तब आपको एनर्जी निकल के आएगी पॉजिटिव में 2.09 × 10⁻¹⁸ जूल, या आप इसको अर्ग में कन्वर्ट करना चाहो तो × 10⁻¹⁷ कर दो, तो आपको अर्ग में आ जाएगी, ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अच्छा, सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कि वेव, जब अब मान लीजिए वो फिफ्थ में पहुंच गया, अब वहाँ पे वो स्टेबल तो नहीं है, वो वापस आएगा, तो वापस फर्स्ट में आएगा तो उतनी ही एनर्जी रिलीज़ कर देगा। अब आपको देखना है कि कितनी वेवलेंथ वाली रेडिएशन जो है वो रिलीज़ करता है। अब आप फॉर्मूला आपको पता है ई इज इक्वल टू HC/λ होता है, तो हमें तो अभी ई तो नहीं चाहिए, हमें लैम्डा की वैल्यू चाहिए। तो आप फॉर्मूला को रीअरेंज कर दो और लैम्डा की वैल्यू निकाल दो। देखो इस तरह से पुट करी, प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू पुट किया, स्पीड ऑफ लाइट पुट करी, नीचे आपने जो एनर्जी निकाली है जूल्स में वो पुट करी, आपको मीटर्स में वेवलेंथ निकल के आएगी, उसको एंगस्ट्रॉम में चेंज कर लो,
तो आपको 951 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ वाली रेडिएशन जो है वो इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा जब वो वापस से एक्साइटेड स्टेट मतलब फिफ्थ शेल से फर्स्ट शेल में ट्रांजिशन करेगा तब। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 19th, ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 19th में, द इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली फ्रॉम एन टू ऑर्बिट। अब सब मिलते जुलते सम हैं और सब बोर के एटॉमिक ऑर्बिटल के बेसिस पे दिए हुए हैं। अब आपको इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड ऑर्बिट में है, वहाँ से आपको रिमूव करना है कम्प्लीटली। कम्प्लीटली रिमूव करने का मतलब समझते हो आप कि आपको इलेक्ट्रॉन जो है फाइनली इनफाइनाइटी पे दिखाना है जब उसकी एनर्जी जो है वो ज़ीरो हो जाती है। तो वॉट इज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट इन सेंटीमीटर दैट कैन बी यूज टू कॉज दिस ट्रांजिशन, मतलब ऐसा क्यों है, इस केस में आपको इलेक्ट्रॉन क्यों दे, आपको एनर्जी क्यों देनी पड़ी, आपको वेवलेंथ क्यों प्रोवाइड करनी पड़ी, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, उसकी स्टेबल एनर्जी स्टेट से हमें ज़ीरो स्टेट पे ले जाना है, तो आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी तभी वो इलेक्ट्रॉन से एटम से बाहर आएगा। तो देखते हैं कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, डेल्टा ई, उसके एनर्जी में क्या चेंज आएगा जब वो इन्फाइनाइटी में जाएगा, और जब वो टू में था तो जीरो, इन्फाइनाइटी पे एनर्जी हो जाएगी ज़ीरो, और टू ऑर्बिटल में जब था तब उसकी एनर्जी थी -2.18 × 10⁻¹⁸ अपॉन 4 जूल। 4 क्या है बेटा, 2 का स्क्वायर, 2 मतलब ऑर्बिट का नंबर एन। तो इसको जब आपने सॉल्व किया तो देखो आपको पॉजिटिव में एनर्जी आ रही है 5.45 × 10⁻¹⁹ जूल, -19 जूल। ये क्या है, एनर्जी विच वी प्रोवाइड फ्रॉम ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम टू ऑर्बिट टू द इनफाइनाइटी। अब नेक्स्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का कि उसकी वेवलेंथ कितनी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो बच्चों यही आपने रिलेशनशिप देखा है, डेल्टा इज इक्वल टू एच न्यू, एच न्यू की जगह हमने लिख दिया सी अपॉन लैम्डा, हमें पता है न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है, तो लैम्डा निकालना है तो लैम्डा इज इक्वल टू एस सी अपॉन डेल्टा ई। अभी आपने डेल्टा ई की वैल्यू निकाली है, उसको पुट करो फॉर्मूला में और आपको ये जूल से जूल कट जाएगा, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, सिर्फ आपको मीटर्स में रिजल्ट आएगा। दिस इज द वेवलेंथ 3.644 × 10⁻¹⁷ मीटर। इसको आप सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकते हो या किसी भी यूनिट में जिसमें आप चेंज करना चाहो वो आपको पता है। तो इस तरह से सम हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 19th। अब है 20th सम, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 2.05 × 10⁻¹⁷ मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों इसमें वेलोसिटी दी है, हमें वेवलेंथ निकालनी है, तो हमें देखना पड़ेगा कि वेलोसिटी और वेवलेंथ में क्या रिलेशनशिप है। आपको स्ट्राइक करेगा डी ब्रॉय का इक्वेशन, जिसमें आपने देखा था कि लैम्डा जो है वो वेलोसिटी के साथ किस फॉर्मूला से रिलेटेड रहता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। इसमें आप वैल्यूज पुट कर दो, आपको आंसर निकल आएगा। ये वैल्यूज पुट करी, प्लैंक्स का कांस्टेंट और नीचे मास इलेक्ट्रॉन का और वेलोसिटी पुट करने पे आपको ये जो आई है वेवलेंथ निकल के आ गई 3.55 × 10⁻¹⁰ मीटर। इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ हमको फार्मूला रिकॉल करना था कि किस फार्मूला से लैम्डा जो है वो वेलोसिटी के साथ रिलेटेड होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 21st, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 × 10⁻³¹ kg। इफ द पोटेंशियल इफ द काइनेटिक एनर्जी इज 3 × 10⁻²⁵ जूल, कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ। लो अब हमें देखना है कि वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशनशिप है। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप तो हमें कुछ याद नहीं पड़ रही है, तो हम देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½mv² और जो लैम्डा है वो वी से रिलेटेड होता है इस फॉर्मूले से एच अपॉन एम वी। तो हम इसमें से वी की वैल्यू निकाल लेते हैं, हमको काइनेटिक एनर्जी दी हुई है ना, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ke/m। जब आपने फॉर्मूला को रीअरेंज किया और उसमें वैल्यूज पुट करी तो आपको निकल के आएगा वी का वैल्यू 8.12 × 10⁻²⁪ मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी आई है बच्चों। अब इस वेलोसिटी को जो वैल्यू निकल के आई है इसको आप पुट करो फार्मूला में और लैम्डा की वैल्यू निकल आएगी। आपको सिर्फ कैलकुलेशंस करनी है, अब कैलकुलेशंस तो आपको आती है करनी, सिर्फ समझाना था मेरा ड्यूटी। ये निकल गया है लैम्डा का वैल्यू, ठीक है। तो 21st सम भी हो गया, 22nd सम तो बहुत ईजी है। इसमें आपको कुछ स्पीशीज दिए हैं, कुछ आयंस दिए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, और आपको पहचानने हैं कि इसमें से आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ कौन कौन सी हैं।
बच्चों क्वेश्चन आता है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ आखिर होती क्या हैं, जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज सेम, दोज स्पीशीज़ आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। तो इसको निकालने के लिए हमें ना सबसे पहले इन जो भी स्पीशीज़ दी हुई हैं इनके एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। सिंबल्स तो आपको पता ही है, फर्स्ट जो एलिमेंट है वो सोडियम है, फर्स्ट आयन किसका है, सोडियम का पॉजिटिव आयन, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो मतलब कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का नंबर भी 11 है। अब उसमें से पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड है, तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड है इसका मतलब नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10। तो आपने सोडियम प्लस आयन में इलेक्ट्रॉन का नंबर निकाला 10। दूसरा जो स्पीशीज़ है वो पॉजिटिव आयन है पोटेशियम का। अब आपको पता है पोटेशियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 19, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 19। उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो कितना नंबर हो जाएगा, 18। तो इस स्पीशीज़ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 18। फिर है हमारा Mg2+, Mg2+ में देखो Mg का एटॉमिक नंबर है 12। तो Mg2+ चार्ज कब आता है, जब दो इलेक्ट्रॉन निकले होते हैं, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10। अब Ca2+, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 20, उसमें से दो निकले हुए हैं तो 18। अब S2- S का एटॉमिक नंबर है 16, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 16 है। अब उसमें से आपको दो ऐड करने हैं, तो S2- का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 18, क्योंकि ये 2- चार्ज है। आर्गन तो बेटा नोबल एलिमेंट है, तो कोई चार्ज होता ही नहीं उसके ऊपर, जीरो चार्ज है, तो 18 इलेक्ट्रॉन। देखिए आपने कौन कौन सी स्पीशीज़ आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, सोडियम और सोडियम प्लस और मैग्नीशियम 2+, और बाकी कौन सी आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, K+, Ca2+, S2- और आर्गन। तो इट वॉज़ अ वेरी ब्यूटिफुल सम। अब क्वेश्चन नंबर 23 में पूछ रहा है कि H+ आयन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो बच्चों आपको पता है ना कि H का जो है वो एटॉमिक नंबर 1 है, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 है। तो लेकिन ये तो H+ आयन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें H अगर न्यूट्रल होता तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था 1s1, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है तो इसमें कितना हो जाएगा, 1s2। क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, 1s2। इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर। Na+ में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर वो ग्राउंड स्टेट में होता तब तो होता 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, है ना। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है तो क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6। इसी तरह ऑक्सीजन 2-, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर में पता है 8 होता है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, तो 1s2, 2s2, 2p4, लेकिन इसमें से तो दो इलेक्ट्रॉन लिए हुए इसने, तो इसका फाइनल कन्फिग्रेशन हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6। फिर F-, अब F का एटॉमिक नंबर है 9, तो नंबर टोटल कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स के, 9, तो कन्फिग्रेशन है 1s2, 2s2, 2p5, लेकिन इसमें एक इलेक्ट्रॉन एडेड है, तो क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6। तो देख रहे हो आप जितने भी आयंस हैं वो सब जो है स्टेबल या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में है। देख रहे हैं आप सब जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो पूरा कम्प्लीटली फिल्ड है ना। तो इस तरह से आप बड़े इजीली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं आयंस के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का नेक्स्ट पार्ट है कि वो पूछ रहे हैं कि अगर 3s1 है किसी का वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, तो वो उसको पहचानो कि वो कौन सा है। तो बेटा इसके पहले हमको सारा फिल करने पड़ेंगे ना, सारे ऑर्बिटल्स, तो हम फिल कर लेते हैं भाई 3s1 में डायरेक्ट तो नहीं आ गया इलेक्ट्रॉन, तो पहले अंदर वाले फिल करते हैं ऑर्बिटल्स को, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। कितने टोटल इलेक्ट्रॉन भरे, 11 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब ये कौन सा एलिमेंट है, सोडियम है। वो पूछ नहीं रहा नाम, लेकिन आपको पता है तो आप नाम लिख दो, आपको सिर्फ पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है 2p3। अब 2p3 से पहले कौन कौन से ऑर्बिटल भरने हैं, 1s, 2s और 2p। तो 1s2, 2s2, 2p3, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3, 4, 5, 6, 7। अब हमें पता है 7 कौन सा एलिमेंट है, नाइट्रोजन, तो ये है नाइट्रोजन। फिर है 3p5। अब 3p5 डायरेक्ट तो नहीं भर गया, उसके पहले 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, फिर 3p5। पहले सारे अंदर वाले फिल कर लो कम्प्लीटली, और जो भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के आए उसको देख लो आप कितना आ रहा है, 17 आया। तो इसका मतलब ये क्या है, क्लोरीन है ये वाला एलिमेंट, ठीक है। अब हमें इसके थर्ड पार्ट में हमको देखना है कि एलिमेंट कौन सा है। अगर ये कॉन्फ़िगरेशन है हीलियम स्क्वायर ब्रैकेट 2s1, तो पहले हमें पूरा हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन देखना है, क्या होता है हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन, 1s2,
तो ये हो गया 1s2, 2s1। ये कौन सा एलिमेंट है? लिथियम, क्योंकि ये इसका एटॉमिक नंबर है 3। दूसरा है नियॉन, 3s2, 3p3। नियॉन का कन्फिग्रेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6, है ना, 10 है ना इसका एटॉमिक नंबर। तो ये जब आपने पूरे फिल कर दिए, उसके बाद 3s2 और 3p3 टोटल नंबर गिन लो, कितने हो गए? ये हो गए 15। ये कौन सा एलिमेंट है? फॉस्फोरस। नेक्स्ट है ऑर्गन, 4s2 3d1। तो पहले आपको ऑर्गन का कन्फिग्रेशन भरना है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये ऑर्गन का कंप्लीट हो गया 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब 4s2 3d1, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 21। आपको पता है 21 किसका एटॉमिक नंबर है? स्कैंडियम का। तो अब 11th क्लास में बच्चों कम से कम 50 एटॉमिक नंबर तक आपको सारे एलिमेंट्स के नाम पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर जी ऑर्बिटल वैल्यू ऑफ, आपको बताना है कि जी ऑर्बिटल एग्जिस्ट करें उसके लिए एन का नंबर मिनिमम कौन सा पॉसिबल है। तो बच्चों मिनिमम वो बोल रहा है आपको पता है कि जी ऑर्बिटल के लिए, हर एक ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू होती है। जैसे एस के लिए एल की वैल्यू 0, एस पी के लिए 1, फिर डी के लिए 2, एफ के लिए 3, तो जी के लिए क्या हो जाएगी? 4। तो हमेशा पता है ना एन जो है वो एल से 1+1 ज़्यादा होता है। तो एन जो है वो कितना पॉसिबल है, मिनिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है उसकी? 5। ठीक है, कैसे निकाला आपने? क्योंकि आपको पता है जी ऑर्बिटल्स के लिए एल की वैल्यू होती है 4, तो एन की वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है? 5। ठीक है, अब आपको देखना है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है 25th क्वेश्चन में कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 3d ऑर्बिटल में है, तो पॉसिबल वैल्यू निकालनी है n की, l की और m की। तो बच्चों जब 3d ऑर्बिटल में है तो इसका मतलब n की वैल्यू तो 3 है, क्योंकि इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, शेल का नंबर है ना 3, तो n तो 3 हो गया। अब आपको पता है l कैसे, l की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल होती है? 0, 1 और 2, 3 के लिए। लेकिन हमारा जो है ये d ऑर्बिटल में है, तो d ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू हमेशा होती है 2, तो L की वैल्यू होगी 2। M जो है वो कौन कौन से पॉसिबल हैं? 2 से L से कम होते हैं, मतलब L से 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, मतलब 5 मैक्सिमम वैल्यूज पॉसिबल हैं M की इस इलेक्ट्रॉन के लिए जो कि 3d ऑर्बिटल में है, क्योंकि वो इनमें से d के किसी भी ऑर्बिटल में हो सकता है ना। अब नेक्स्ट सम है, वो बोल रहा है कि एक एलिमेंट है जिसकी उस जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है 29 और न्यूट्रॉन है 35। हो सकता है ना ऐसा, आइसोटोप होते हैं बेटा। तो आपको डिड्यूस करना है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो आपको पता है जो भी उसका एटॉमिक नंबर होता है, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं किसी भी एटम में, क्योंकि वो न्यूट्रल होता है एटम, तो प्रोटॉन्स भी हो जाएंगे 29। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है, तो नंबर ऑफ बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 29। तो आप फिल करो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट क्या है कि इसमें 3d10 और 4s1 है, वैसे हो रहा था 4s2 और 3d9, बट बिकॉज जब 3 ऑर्बिटल्स आर हैविंग 5 ऑर्बिटल्स एंड डी ऑर्बिटल्स हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी 10, सो बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा